अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ JDC के हेड ऑफिस। आज 11 तारीख है, लॉकडाउन का तकरीबन 20वां दिन है आज, और JDC आते हुए तकरीबन हमारा चौथा या पाँचवा चक्कर है। पहली दफ़ा हम लोग आए थे यहाँ पे 1 अप्रैल को, उस वक्त उन्होंने तरीकाकार हमें बता दिया था कि आएँ, इस तरह एप्लीकेशन दें, डिटेल बता दें, आपको राशन मिल जाएगा। 3 तारीख को हमने एप्लीकेशन सबमिट करा दी थी अपनी, और उसका फॉलोअप लेने के लिए 3 से 4 दफ़ा आ चुके हैं, लेकिन यहाँ आके हमें एहसास हुआ है कि JDC का काम सिर्फ शिया कम्युनिटी को सपोर्ट करना है, बाकी लोगों के लिए ये कुछ काम नहीं कर रहे। 2-4 लोगों को ये सिर्फ देते हैं सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए, क्योंकि जफर अब्बास जो है वो आप ये समझें कि सोशल मीडिया के हाथ बताइए, रियल लाइफ में इनका ना कोई काम है ना कोई सरगर्मी है। सोशल मीडिया के हद तक ये हीरो भी हैं और सब काम कर रहे हैं, लेकिन रियल सिचुएशन जो है वो आप आके खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा। अपनी कम्युनिटी को देखते हैं ये, अगर रिक्वेस्ट आती है, अगर आपकी रिक्वेस्ट आएगी इमाम बारगाह के लेटर पे, तो हो सकता है आपका काम हो जाए, अदरवाइज़ आप यहाँ पे आके धक्के खाएंगे और जलील हो सकते हैं, आपको यहाँ से कुछ भी नहीं मिलना है। तमाम देखने वाले मेरे मैसेज जो भी लोग देख रहे हैं वो आके खुद इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे लोग की सिर्फ तजलील हो रही है, लोगों को राशन नहीं मिल रहा बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक छोटी सी एक चीज आपको दिखानी थी, आगे आए, ये इनकी शक्ल दिखाएं। ये जिन साहब की आप शक्ल देख रहे हैं, इनका नाम है इमरान बेग। इन्होंने आज सुबह वीडियो चलाई है कि JDC किसी शायद एक फिरके को या किसको दे रही है और किसको नहीं दे रही। तो उसके अलावा ये पहले इनकी कारिस्तानियां भी देख लें, देख लें। ये कोरंगी की एक बहुत मशहूर शख्सियत है, इनकी पूरी हिस्ट्री अभी हमने मुख्तलिफ लोगों से रबते किए हैं, वहां से आ रही है, और हम कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ करने जा रहे हैं, क्योंकि इस मुसीबत में भी फिरका वारियत फैलाने में और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सिर्फ ये एक दिन की फाइलें पड़ी हुई हैं, आए आकर चेक कर लें। हर मसलक की, हर मजहब की लेटर हेड, मसाजिद, चर्च, मंदिर के इसमें लगे हुए, लिस्टिंग हुई हुई है नाम के साथ, एड्रेस, पता, रिसीविंग सब है। हमारे पेज पे तस्वीरें मौजूद है, वीडियोज मौजूद है, किनके हैंडओवर हम कर रहे हैं। हमने कभी किसी गरीब की शक्ल नहीं दिखाई, हाँ वो जरूर मौजूद है जिनके हवाले कर रहे हैं, जिन्होंने जाके बांटना है। अब आप इन साहब का कारनामा चेक कर ले, इधर आइए। मैं तो थर गया हूं सुबह, मुझे आज सारी खबर मिली है, देखिए इधर आ जाइए। इन्होंने एक ये ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल के नाम से लेटर हेड छापा हुआ है, उसके अंदर अपने आप को एजेंसी बोल रहे हैं, बहुत बड़ी है। इन्होंने रिक्वेस्ट ग्रांट ऑफ 5000 बैग्स ऑफ राशन, कितने मांग रहे हैं ये, 5000 बैग मांग रहे हैं। अब सुनिए आप स्टोरी इनकी, 5000 बैग राशन का मतलब है 1.5 मिलियन रुपीज का राशन इस अकेले आदमी को दे दिया जाए, जो कि खुद जिसकी एक वर्थ जो है वो ये है कि पूरा कोरंगी इनके बारे में बता रहा है कि ये कौन है, इनके करतूत क्या है। यहां आते हैं सुबह ऑफिस के अंदर IT लैब में हमारे, वहां कहते हैं मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, मुलाकात करें। मैं तो नहीं था, मेरे लोगों से मुलाकात की, हमारे IT लैब के कैमरे में सारी इनकी डिटेल्स और इनकी बातें मौजूद है। उसके बाद ये कहते हैं मुझे 5000 राशन चाहिए, आपको मैं यहां लेकर आ रहा हूं, 25 या 30 ट्रक उसको भरिए, अगर नहीं भरिए तो मैं आप लोग के इदारे के खिलाफ वीडियो बनाऊंगा। इदारे ने बोला 5000 राशन आपको किस हैसियत में देते हैं, आप किसी मस्जिद का लेटर हेड लाए होते 100-200 राशन मांगते, उसमें इदारा आपको 50 या 100 दे देता, आप इंतहा मुस्तैफ। 5000 कौन देगा, और अगर 1-1 करोड़ रुपए का राशन एक एप्लीकेशन में देंगे, हमारे पास 16 लाख लोगों की दरखास्तें हैं, तो हम क्या करेंगे, हर आदमी को 1-1 करोड़ रुपए का राशन दें। तो उसके बाद उन साहब ने वीडियो बनाई जिसमें मजहबी मुनाफरत और लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ बोला। हम इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत सारे इदारों से रब्ता भी हो गया है, इनकी पूरी हिस्ट्री भी निकलवा ली है। सिर्फ आपको दिखाने का मकसद था, जिस तरह लोगों के दिलों में नफरत भरने के लिए वो वीडियो चलाई, अब इनकी मैंने आपको पूरी असलियत, इनका लेटर हेड, इनकी पूरी औकात आपको दिखा दी है। तो बराए मेहरबानी इस किस्म के चीटर हजरात की तफसील भी लोगों को बताएं, ताकि दीगर इदारों के खिलाफ भी ये गुमराहकुन काम ना कर सके। बहुत शुक्रिया।